दिखता है कोई? ये देखो टेप ना सपे वाले बैठे हैं। तो वैसे मुझे एक एक कंटेस्टेंट थी यहाँ पे जिनको देख के अनुपमा की याद आई, मैम आप थोड़ा सा ना सूरी 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 कांपने वाला थोड़ी सी मुझे याद आई अनुपमा की। मेरी मम्मी इतना ऑब्सेस है ना अनुपमा से, इतना ज्यादा हर बोलेंगे तेरा बार कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है। मैंने कहा नहीं मम्मी। एक दिन मैंने मम्मी को वैसे बोल दिया, मैंने कहा मम्मी मैं भी दो शादी करूंगा। मम्मी कह रही कौन सा है तुझे? मैंने कहा आपका अनुपमा। वो कह रही बेटा एक तो कर, पहले तो ये बता है कौन? काव्या। मैंने कहा नहीं काव्या नहीं अनुपमा ही ढूंढ रहा हूँ मैं भी, मिले तो सही कम से कम, मिल ही नहीं रही है। और ऊपर से लड़कियों का तो और दिमाग खराब हो रहा है भाई, देख के ये एक्सपेक्टेशन पाल रही है कि हम अनुज कपाड़िया जैसे बनेंगे। भाई नहीं बन सकते हम, वही बन सकते हैं हम, नहीं बन सकते। एक चैनल है नेशनल ज्योग्राफी, सबने देखा होगा बचपन में भी, आई थिंक अभी भी देखते होंगे कुछ लोग, है ना। इसमें था होता ये है जब आप अकेले बैठ के देखोगे तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं, साइंस की और लॉजिक दिखाएंगे कि इसका ये लॉजिक है। जैसे ही कोई बड़ा आदमी बैठेगा इनका अलग लॉजिक शुरू हो जाता है। ये एक नर और मादा है और अब ये फिर रिमोट भी नहीं काम करता है। एक तो ऊपर से इनका शुरू अलग हो जाता है, वो एक तो अलग उनकी नर और मादा अलग चलते हैं एकदम। अब ये नर मादा को रिझाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि चेंज हो जाए, दूसरा चैनल चेंज कर रहा हूँ वहां भी अलग। आपके एक्स को पास ले आए, प्यार है मेरा अलग दिमाग खराब हो तो यार ये क्या चल क्या रहा है। ऊपर से नेटफ्लिक्स लगा लो तो भाई मम्मियां बैठी रहती है वहां, तो 18 प्लस का इतना कंटेंट मिलेगा, इतना कंटेंट मिलेगा भर भर के। एक दिन मैं देख रहा था एलाइट, किसी ने देखी है एलाइट? नहीं देखी। मिर्जापुर देखी है? देखी है मम्मी के सामने देखी कभी? इतने चप्पलें बरसाएंगे देखना भी मैं। मैं देख रहा था मम्मी ने देखी, अरे ये चल क्या रहा है। उसमें जो सीन चल रहे थे मम्मी ने भाई से चप्पल फेंक के मारी अंदर, यहाँ लगी सीधे ऐसे करते। अभी तक निशान भी होगा गाल के, देखना कभी क्लोज से। वैसे आप लोगों की टीचर होंगी, आपने कभी देखा होगा साड़ी वाली सोबर सिंपल काटने वाली स्ट्रिक ऐसी? मेरी टीचर की इंस्टाग्राम आईडी देखोगे ना माहिया, सुबह छत पे जाके योगा गया फाड़ने, योगा नहीं करना उनको माहिया। मैम ये चल क्या है? ऊपर से मैम फॉलो भी कर रखा है सारे बच्चों को, लाइन से फॉलो कर रखा है। फिर बोलेंगे बेटा देखो एक ऐसे करेंगे, एक ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करेंगे। मैंने कहा मैम ये हुआ नहीं तो? नहीं बेटा करके तो देखो, होगा अच्छे से। नहीं होता भाई, ये बंदा ये तब से इतना पका रहा है बैठे बैठे, मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ, मैंने झेला है ना। कहाँ से हो भाई, कहाँ से हो? नीट की तैयारी क्या करोगे आगे जाके? बन जाओगे ना? सोच रहे हो मुझे मेंबरशिप भी मिलेगी? अच्छा ऐसा भी है? जिम का भी ना एक अलग घंटा रहता है भाई, सुबह जाओगे तो लड़कियों का तो अलग रहता है, पहले आधे घंटे मेकअप को कहिए, जैसे पता नहीं कौन सा इनको शाहिद खान ही देखने आ रहा है जिम में, इनका जिम रहेगा। जिम का तो कोई मतलब ही नहीं इनको, बस साइकिलिंग कोई देख रहा है ना अच्छे से करते हैं थोड़ा सा। और जैसे कोई आने शुरू होगा ना इनके बार बार खुल के अच्छे से, भैया मेरा जिम कंप्लीट हो गया मैं जा रही हूँ। एक दिन मेरी फ्रेंड है वो मेरे साथ जाती है सुबह, तो उसने मुझे बोला कि यार एक बार कोई ढंग का लड़का आता है जिम, मतलब मुझे क्या पता मैं यही थोड़ी देखता हूँ बैठ के। फिर ये मतलब शाइना कहाँ रहती है? मैंने कहा वो दो गली छोड़ती है। हाँ ये तो बड़ा अच्छे से पता तेरे को काम की ना, आपको पता भाई आपकी जिम में आती कोई लड़की आती है? ये देखो एक्सपीरियंस उनका, किसी का नंबर लिया अभी तक? बहुत ऐसे जिम ट्रेनरों से सावधान है, नीचे क्वेश्चन भी लगा देना वीडियो के, ऐसे जिम ट्रेनरों से सावधान। तो थैंक यू एवरीवन।